पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये दिन तो आपको याद ही होगा, जब आज फिक्स 8 दिन बाद 24 मार्च को देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हुआ। अब एक बार फिर से वैसा ही लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। कोरोना महामारी के नए मामलों ने एक बार फिर से कई राज्यों में सिर उठा लिया है। लगातार नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि मार्च के 15 दिनों में ही नए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए, जो कि 1 मार्च 2021 के नए मामलों के आंकड़ों के दोगुना है। बता दें कि 1 मार्च को भारत में कोरोना के कुल 11,563 नए मामले सामने आए। अब देश में वापस लॉकडाउन लगने जा रहा है, ये साफ दिखने लगा है। अब तो केंद्र भी इसके संकेत देने लगी है। मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक। आपको याद हो तो जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। अब कल देश में बढ़ते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बुधवार दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बैठक की खबर आने के बाद अब लोग ये भी सोचने लगे हैं, क्या इस बैठक में लॉकडाउन पर भी कुछ फैसला हो सकता है। 4 बड़े संस्थानों का दावा, कितनी भी वैक्सीन लगा लो नए कोरोना वायरस पर असर नहीं होगा। दुनिया के 4 बड़े मेडिकल शोध संस्थानों ने दावा किया है कि वर्तमान में लग रही वैक्सीन नए कोरोना वायरस के कुछ वेरियंट पर बेअसर है या इनका असर कम होगा। यह संस्थान है रैगन इंस्टीट्यूट ऑफ MGH, MIT, हार्वर्ड और मैसाचुसेट जनरल हॉस्पिटल। इनके वैज्ञानिकों का दावा है कि वर्तमान में लग रही कोरोना वैक्सीन से कुछ नए कोरोना वायरस पर असर कम होगा, यानी अगर वैक्सीन फेल हुई तो कोरोना फिर से फैलेगा और लॉकडाउन के हालात बनेंगे। केंद्र सरकार बोली, उठाओ सख्त से सख्त कदम। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लेटर लिखकर बताया है कि कोरोना पर रोकथाम के लिए जिले स्तर पर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी है। कोरोना के ट्रांसमिशन को रोकने का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार को कुछ और कड़े कदम उठाने चाहिए। अहमदाबाद, सूरत समेत इन 4 शहरों में लगा कर्फ्यू। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को जारी गाइडलाइंस के अनुसार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया है। यहां 10वीं कक्षा की परीक्षाएं अब 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से शुरू होगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी, जो पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 मई को समाप्त होगी। T20 बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के शेष आज और बाकी 2 T20 मैच अब बिना दर्शकों के होंगे, यानी वापस से वो डरावने दिन वापस लौट रहे हैं और कोरोना और लॉकडाउन वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।